ऊना जिला स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन ने कोविड 19 वैक्सीन लगवाने के लिए राधा स्वामी सत्संग भवन ऊना में केंद्र शुरू किया है। इस केंद्र में प्रतिदिन 400 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राधा स्वामी सत्संग भवन ऊना में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आने वाले लोगों के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारियों, डॉक्टर्स और नर्सों को तैनात किया है, तो वहीं राधा स्वामी सत्संग भवन की ओर से स्वयंसेवी तैनात किए गए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी निखिल सहोड़ ने बताया कि राधा स्वामी सत्संग भवन में ये केंद्र शुरू किया गया है। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग भवन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संतोष प्रकट किया। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक 100% लोगों को पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए डोज की संख्या बढ़ाई गई है। उसमें से जो 150 हैं वो ऑनलाइन बुकिंग करवा के आए हैं, बाकियों को ऑन स्पॉट होगी रजिस्ट्रेशन। व्यवस्था के बारे में कैसा है यहाँ आपका? काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लोगों को बैठने के लिए भी प्रॉपर जगह है, यहाँ पे कुर्सियों पे भी बैठे हैं, अभी प्रॉपर सेवादार उनको सिस्टमेटिक वे से भेज रहे हैं। वैक्सीनेशन कब तक चलेगी ये? आज ओके, नहीं कब तक चलेगी वैसे ना, कितने दिन चलेगी जहाँ? अभी जो है हमें एक वीक का रोस्टर मिला हुआ है, बाकी अभी कंटिन्यू ही रहेगी, सभी को वैक्सीनेट करना है। जैसे अभी जैसे 18+ तक का ही अभी जो प्रावधान है, बाकी अभी धीरे धीरे जो सरकार की ओर से गाइडलाइंस, राधा स्वामी सत्संग ये भवन है कंटिन्यू रहेगा, जितनी अभी गाइडलाइंस मिली है ना उसमें अभी यहीं पे ही कंटिन्यू रहेगा। सेशन नहीं होगा, आरएच ऊना हॉस्पिटल में सेशन नहीं होगा, यहीं सेशन हुआ करेगा। कितना होगा टोटल जी? कितनी वैक्सीन लगेगी रोज की? सर पर डे की 400 लगेगी। ठीक ठीक। हाँ जी सर, आज वैक्सीनेशन का पहला दिन है, व्यवस्था कैसी है जहाँ? ऐसा है कि हम देख रहे थे कि रीजनल हॉस्पिटल के अंदर मौसम को देखते हुए थोड़ी वहाँ पे जगह हमारे पास तंग थी और सब लोगों को बिठाने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो सकती थी। दूसरा, गवर्नमेंट का इस हफ्ते के लिए स्पेशल इनिशिएटिव है कि फर्स्ट डोज है उनको हमने 100% कवर करना है 15 अगस्त तक। उसके हिसाब से हमें जो सेशन है उसका साइज़ बढ़ाना पड़ा, 2 सेशन करिए। पहले 200 को इंजेक्शन लगते थे, अब 400 लोगों को लगेंगे। तो बैठने की व्यवस्था के लिए हमने डेरा सत्संग ब्यास वालों से, जो ऊना में है उनके जो इंचार्ज हैं, उनसे बात की। उन्होंने खुशी खुशी अपनी जगह और अपनी सेवाएँ और अपने सेवकों का साथ हमें दिया। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे समुचित प्रबंध है और बड़े आराम से टीकाकरण किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं इस संस्था का और लोगों का बहुत धन्यवादी हूँ। और आने वाले समय में लगभग जब तक भी हम पहला डोज पूरा कवर नहीं कर सकते, 400 का ही बैच रोज का रोज बनेगा, 400 का ही सेशन, 2 सेशन होंगे यहाँ और लोग यहीं पे आकर इंजेक्शन लगवाएंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से लक्की के साथ चंद्रमोहन चौहान।